अवसर पर बिस्वा के सीतापुर लोकसभा का दुर्भाग्य है, जो कि 15 वर्षों से सीतापुर का सांसद रहा, वह विकास कार्य न करवा पाया और न ही जनता के सुख दुख से भागीदार रहा। यह बात जहांगीराबाद रोड पर सपा बसपा गठबंधन की कार्यालय का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री व सीतापुर लोकसभा प्रत्याशी नकुल दुबे ने अपार उमड़े हुए जन समूह को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मैं सीतापुर जनपद में राजनीति नहीं बल्कि विकास करने आया हूं। उन्होंने कहा कि सीतापुर जनपद में मेडिकल कॉलेज युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना ही मेरी विशेष प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नगर विकास मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा विकास कार्यों के लिए धन बिस्वा, लहरपुर, महमूदाबाद, बैतेपुर नगर पालिका परिषद को दिया। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोटों से विजयी बनाए, जिसे हर वर्ग विशेष को लाभ पहुँचे। सभा से पूर्व लोकसभा गठबंधन प्रत्याशी नकुल दुबे ने फीता काट कर उद्घाटन किया। सभा को बसपा कोऑर्डिनेटर अखिलेश अंबेडकर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राममूर्ति मधुकर, पूर्व मंत्री कमलेश यादव, पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी, पूर्व विधायक निर्मल वर्मा, डॉक्टर आरपी वर्मा, बसपा विधानसभा अध्यक्ष सुरेश भारती, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुनीत गौतम, पूर्व ब्लॉक प्रमुख देवी शंकर वाजपेयी, मौलाना अनवार हुसैन कादरी, सपा विधानसभा अध्यक्ष जयकरण यादव, डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल तारिक खान ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर अहमद अली ने किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान रामा भारी, प्रधान राजकर्मी सालू राइन, जबीउल्ला उर्फ जुली, अशोक वाजपेयी, मुर्तला सहित काफी संख्या में गठबंधन कार्यकर्ता व महिलाएं मौजूद रही। अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय श्री नकुल दुबे जी और उनके साथ में आई हुई अपार भीड़, और वैसे भी आपके दिलों की धड़कन ये बन चुके हैं, यकीनन ये गठबंधन कहीं तक पहुंचने के करीब पहुंच चुका है और सिर्फ आपके मोहर लगने की बात है। आपके पटे बड़ा शानदार उद्योग, जहां पर हमारे हजारों लाखों रोजगार, बेरोजगार बच्चे रोजगार पा सके, अगर वो उद्यम नहीं है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ, चुनाव की बेला जरूर है और चुनाव में बड़े लक्ष्यदार भाषण होते हैं, लेकिन मैंने पूर्व सांसदों के 20 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा अपने पास रख रखा है। ये काम नहीं, हर बार चुनाव के टाइम में जुगाड़ चला बुलेरो लेकर के इधर देगा, और 24 मई 2019 से नकुल दुबे 24 घंटे सीतापुर में आप सबकी सेवा में लग जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। बरेली जनपद में आंवला लोकसभा क्षेत्र के देवचरा बाजार में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती जी के नेतृत्व में जनसभा हुई, जिसमें बहन जी ने महागठबंधन को मजबूती से जिताने को कहा और भारत को नया प्रधानमंत्री बनाने को कहा, जिससे अब प्रधानमंत्री हवा में बात करते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट देने को कहा, वह बहुजन समाज पार्टी के लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने को कहा। वह अखिलेश यादव जी ने भी भाजपा को तीखा हमला बोल दिया, जिससे जनता को गुमराह करने वाली बात और जनता से महागठबंधन को बहुत बड़ी जीत हासिल कराने की अपील करते हुए आंवला लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रुचि वीरा व बदायूं लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव एवं बरेली लोकसभा से सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार को भारी मतों से जिताने को कहा, जिससे भारत को नया प्रधानमंत्री मिल सके। ये समाज बड़ा है, ये हमारी आपकी सरकार नहीं है गरीबों की, ये देश के प्रधानमंत्री हमारे आपके नहीं है, ये देश के 1% जो अमीर लोग हैं उनके प्रधानमंत्री है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, आंवला बरेली। बरेली जनपद के आंवला लोकसभा क्षेत्र में देवचरा बाजार के नजदीक आलमपुर गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी की चुनावी जनसभा की रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहां एसपीजी के जवानों ने निगरानी रखने एवं आईएसपीसीएस अधिकारी ने एडीजी डीआईजी सहित तमाम आला अधिकारियों ने चुनावी जनसभा का पांडाल चेक किया और प्रधानमंत्री के आने पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने की बात बताई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सचिन कुमार शर्मा की रिपोर्ट, आंवला बरेली।
पुलिस अधीक्षक महोबा श्री स्वामीनाथ के कुशल निर्देशन में जिला अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दिनेश यादव के पर्यवेक्षण में दिनांक 18 अप्रैल को प्रभारी निरीक्षक खरेला श्री विनय कुमार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना कस्बा खरेला से एक नफर जिला बदर अपराधी दीपक सिंह पुत्र गंगा चरण सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी सात राय कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा देसी 12 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। वहीं अभियुक्त दीपक सिंह को माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा 12 अप्रैल को जिला बदर घोषित किया गया था। अभियुक्त को इस संबंध में अवगत कराया जा चुका था, फिर भी अभियुक्त जनपद की सीमा के अंदर पाया गया। वहीं इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 70-19 धारा 10 यूपी गुंडा एक्ट तथा बरामद अवैध तमंचा व कारतूस के संबंध में मुकदमा संख्या 71-19 धारा 325 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायालय भेजा गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। पुलिस अधीक्षक महोबा श्री स्वामीनाथ के कुशल निर्देशन में जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र कुमार व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दिनेश यादव के पर्यवेक्षण में दिनांक 19 अप्रैल को प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश कुमार सरोज द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कस्बा श्रीनगर से एक नफर जिला बदर अपराधी राजकुमार पुत्र हर नारायण निवासी कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। वही अभियुक्त राजकुमार को माननीय जिला मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा दिनांक 12 अप्रैल को जिला बदर घोषित किया गया था। अभियुक्त को इस संबंध में नोटिस तामील कराकर अवगत कराया जा चुका था, फिर भी अभियुक्त जनपद की सीमा के अंदर पाया गया। वहीं संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 56-19 धारा 10 यूपी गुंडा एक्ट अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त माननीय न्यायालय भेजा गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड।